नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अपना। लोकसभा 2024 चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियां ऑर्गेनाइज करके अपने अपने तरीके से जनता को अपने काम गिनाने में लगे हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में तेलंगाना की एक रैली में जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है। दरअसल राहुल गांधी का शक्ति का प्रोस्पेक्ट ये था कि उनका ये कहना था कि शक्ति एक राजा की तरह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने राजा बताया था और उनके साथ जो शक्तियां हैं यानी कि ईडी, सीबीआई और कई बड़ी एजेंसियां जो कि विरोधियों को निशाने पर लेती हैं। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अब विचारधारा की लड़ाई ही नहीं बल्कि हमारी लड़ाई अब शक्ति से। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना में हुई रैली में साफ तौर पर कहा कि शक्ति का मतलब हम महिलाओं से जोड़ते हैं, औरतों से जोड़ते हैं और देश के विकास से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया कि इसी शक्ति का हम आपको दमखम दिखाएंगे जब हम 4 जून को जीत का परचम लहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही कि यहाँ पर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले वादे करते हैं लेकिन हमारी सरकार सिर्फ काम पर वोट मांगने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ साथ अपनी शक्तियां भी गिनाई और जनता को वो सब कुछ बताया जो केंद्र सरकार जनता के बीच पिछले 10 सालों से कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की बात की जाए या फिर लाडली बहना योजना की। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या पीएम मोदी की इस रैली का असर लोगों पर पड़ेगा या फिर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर लोग ध्यान देंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।